आदाब, मैं हूँ इमरान राशिद और आप देख रहे हैं हम भारत। लॉकडाउन है, कारोबार बंद है, लोग परेशान हैं, पैदल अपने घरों की जानिब निकल पड़े हैं, इसलिए कि वो जिस जगह काम करने के लिए गए थे, अब वहाँ के लोगों ने उन्हें कहा कि आप अपने गांव चले जाएं। रहने के लिए जगह ना होने की वजह से भी लोग अपने गांव की जानिब सफ़र कर रहे हैं। बड़ी तकलीफ़ का मकाम है, लोग बड़ी तकलीफ़ में है, खाने पीने के लिए वक्त पर नहीं मिल रहा है, सोने के लिए जगह मैसर नहीं। कुछ भाई हमारे दरमियान मौजूद है, वो शाहपुर से आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या तकालीफ है उनको, क्या मजबूरी थी कि वो निकल पड़े पैदल अपने घर की जानी। आपका नाम? सचिन। सचिन, सचिन नाम है इनका। तो सचिन भाई, आप कहाँ से पैदल आ रहे? शाहपुर से। शाहपुर से जी। कब से निकले आप वहाँ? 29 को निकले। 29 को निकले। शाहपुर में क्या करते थे? ये नाके से काम करते थे। नाके से वहाँ रहने के लिए क्या था? झोपड़ी बनाते। तो जैसे अभी झोपड़ी था आपको रहने के लिए, तो फिर क्यों आप निकल के गए? क्या काम बंद हो गया? जैसा जब तक पैसा था तब तक खाएं। पैसा खत्म हो गया जी? जब तक पैसा था तब तक खाएं, वहीं फिर चल दिए, नहीं था। तो अभी रास्ते में कोई गाड़ी नहीं मिली क्या? गाड़ी नहीं मिली, कोई रुका रहा नहीं कोई। अभी खाने का कैसे आप? बस वही रास्ते में चलते जा रहे हैं, जहाँ मिलता है वहीं खा लेते हैं। और सोना वगैरह, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोने की, ऐसे आउट एरिया में जाके सो जाते हैं। देखिए अभी ने सचिन भाई बता रहे हैं कि वो शाहपुर से निकले। कब से निकले? 29 तारीख से निकले हैं। आज 3 अप्रैल है, तकरीबन 14 दिन है आज का, और कहीं भी खेती में झाड़ी में सो जा रहे हैं। इन लोगों के लिए बड़ी तकलीफ ये है कि अपनी ज़रूरियात कहाँ पूरी करें, लेकिन एक मजबूरी है। इन्होंने बताया कि उनकी निकलने की मजबूरी है सबसे बड़ी, कि उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। लॉकडाउन है, जनता कर्फ्यू है, आप पैदल निकल गए, यहाँ तक आ गए, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से जाना हमको एमपी तक जाना है। तो इतना पैदल जाओगे आप? क्या करेंगे, मजबूरी है ना। आप सरकार से क्या चाहते, क्या कहना चाहोगे सरकार को? साधन चालू करें। जैसे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, लेकिन क्या ये नहीं लगता आपको कि सरकार को ये चाहिए था आप जैसे लोगों के लिए कोई सुविधा की जाती अपने मकाम तक पहुंचने के लिए? तो इस ताल्लुक से आप क्या डिमांड करोगे, क्या चाहोगे सरकार से? सरकार से चाहेंगे वाहन आप चालू करें। क्या चालू करें? वाहन, ट्रेन वगैरह सब चालू करें, पब्लिक इधर से आता जाता रहे, अपने घर तक पहुंच जाए। ऐलान किया है कि 5 तारीख को सब अपने अपने घरों की लाइट बंद करें, तो इस वक्त तो क्या जरूरी है, लाइट बंद करना जरूरी है कि आप जैसे लोगों की मदद करना जरूरी है? इसके बारे में क्या बताएं सर, कि मैं तो सफर अभी तो मदद करना क्या जरूरी लाइट है? बंद करने से आपका पेट भर जाएगा? नहीं। तो फिर जरूरी क्या है? मदद करना जरूरी है। मदद करना जरूरी है। दोस्तों, ये सचिन भाई है, ये अपनी तकालीफ अपने हालात बता रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ऐसे लोग आपके दरमियान से गुजर रहे हैं, तो आपसे जो भी मदद हो सके ऐसे लोगों के लिए मदद करें। आज ये मजबूर है, हुकूमत को भी चाहिए था कि लॉकडाउन का ऐलान करने से पहले ऐसे लोगों के बारे में भी सोचा जाता। आज कोरोना से 29 से 30 अमवात हुई है, 29 से 30 लोग डेथ हुए हैं, लेकिन इस तरह पैदल जाने वालों में भूख की वजह से तकरीबन 22 से 25 लोग मर चुके हैं। क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी? आज लोग इस उम्मीद पर टीवी के सामने बैठे थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी कोई अच्छा अनाउंस करेंगे गरीबों के लिए, इंडिया के लिए, या कोरोना के बारे में कुछ एहतियात, कुछ इलाज बताएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि 5 तारीख को 9 बजे सब अपने अपने घरों के लाइट 9 मिनट के लिए बंद करें। मैं समझता हूँ ये भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक है। इस वक्त भारत की जनता भुखमरी का शिकार है, भारत की जनता को जरूरत है उनका पेट भरने की, पैदल जाने वालों को जरूरत है कि उनके लिए गाड़ी का इंतजाम किया जाए। मैं इमरान राशिद, बने रहे हम भारत के साथ।